Hello everyone, my name is Rohit Singh. You are watching my official YouTube channel Battle for SSC for preparations. UPSSC latest news में आज जो next result के बारे में बात करेंगे, कौन सा next result आने वाला है. और आपको पता है युवा कल्याण अधिकारी का result आ चुका है, ठीक है. और एक result और आने की संभावना है इस सप्ताह के अंदर आ सकता है. और UPSSC से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर बात करेंगे. बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्या हुआ अभी भी उनके रिजल्ट या किसी की ज्वाइनिंग किसी की फाइनल लिस्ट अभी तक नहीं आया है. बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, केंद्र सुपरवाइजर HDA मंडी परिषद रिजल्ट और इसी प्रकार से लगभग 10 एग्ज़ाम UPSSC से संबंधित फंसे हुए हैं अभी, तो उनके विषय पर बात करेंगे, ठीक है. तो आज के जो न्यूज़पेपर में जो ये आर्टिकल देख रहे हैं ये बहुत कुछ कह देगा आपको. देखिए, UPSSC अर्हता परीक्षा से पहले ख़त्म करेगा बैकलॉग. आपको पता है UPSSC पेट कराने जा रहा है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी शामिल होंगे. तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से पहले अपने सारे बैकलॉग समाप्त कर ख़त्म कर लेना चाहता है. जितने भी एग्ज़ाम्स पेंडिंग है, ज्वाइनिंग है, वो सभी ख़त्म करना चाहता है. आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने इस संबंध में आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आयोग प्रत्येक 10 से 15 दिन बाद एक रुकी हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करें. ये पॉइंट आपके लिए अच्छा होगा कि 10 से 15 दिन में, भाई मैं कह रहा हूँ कि इस वीक आपका एक गुड न्यूज़ आ सकता है. और वो जो गुड न्यूज़ आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है वो है AGTA, ठीक है. तो AGTA संबंधित आप लोग को गुड न्यूज़ मिल सकता है और मंडी परिषद का भी बहुत बड़ा चांस बन रहा है, जिससे प्रारंभिक आहार परीक्षा के बाद होने वाली भर्तियाँ तेज़ी से पूरी कराई जा सकी. तो यह बात चेयरमैन जो है आयोग के वो प्रवीण कुमार जी ने कहा है. रुका हुआ है, इसके चलते पात्रों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और आयोग के ऊपर भी इस भर्तियों का परीक्षा का परिणाम जारी करने का दबाव है, ठीक है. कोरोना संक्रमण के चलते आपका कामकाज भी प्रभावित हुआ है, ना तो समय से परीक्षाएं हो पाई हैं और ना ही आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार कहते हैं कि उनका मकसद पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से रिजल्ट जारी करना है. प्रक्रिया को बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है, जिससे प्रारंभिक आर्य परीक्षा से पहले सभी के परिणाम जारी हो सके. तो जो भी आपका पेट एग्ज़ाम होगा, आयोग यह चाहता है कि इससे पहले सभी एग्ज़ाम को कंप्लीट किया जाएगा. उसके पीछे एक रीज़न और है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रेशर है, क्योंकि अभी इलेक्शंस है और इलेक्शंस में क्या हो रहा है कि उनको बताना है कि इतनी कितनी सारी भर्तियाँ उन्होंने कंप्लीट की, कितने रोज़गार दिया है लोगों को, वो सब काउंट करवाना है. दैट्स वाई इतना स्पीड से अब काम हो रहा है. तो आप लोग को 10 से 15 दिन में हर एक भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, किसी का रिजल्ट, किसी की ज्वाइनिंग, किसी की फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसकी भी जो भी एग्ज़ाम का बचा हुआ है सब आ जाएगा. और इस वीक आपको AGTA संबंधित न्यूज़ मिल जाएगा, गुड न्यूज़ मिल जाएगा. और इस चैनल से अगर आप जुड़े नहीं हैं तो UP की जितनी भी वैकेंसी है उससे संबंधित, चाहे वो रेलवे हो, ठीक है, और चाहे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें SSC के एग्ज़ाम से, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है. और इस चैनल पर फिलहाल अभी के लिए जो एजुकेशनल कंटेंट बनाया जा रहा है वो UP BEd एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए किया जा रहा है, लेकिन वहाँ से आप GS पढ़ सकते हैं क्योंकि GS सेम लेवल का होता है, ठीक है. GS भी पढ़ सकते हैं और हिंदी भी पढ़ सकते हैं और रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स.